जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक बड़े आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। जवानों की इस शहादत पर पूरा देश गमगीन है। हर कोई दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है, तो वहीं इस हमले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी दुख जताया और तो और घायल सैनिकों के जल्द से जल्द ठीक होने की भी कामना की। राहुल गांधी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर पोस्ट में कहा, जम्मू कश्मीर के राजौरी में आरबी कैंप पर आतंकी हमले की खबर बेहद दुखद है। शहीद हुए जवानों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। ये देश आपके बलिदान को हमेशा याद रखेगा। मैं घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने और शहीद जवानों की आत्मा की शांति की कामना करता हूँ एवं परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूँ। राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी ने भी इस हमले पर दुख जताया और एक्स पर पोस्ट कर कहा, जम्मू कश्मीर में आर्मी कैंप पर आतंकी हमले में हमारे जवानों के शहीद होने का दुखद समाचार मिला। शहीद जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि। इस बलिदान के लिए देश हमेशा आपको याद करेगा। ईश्वर शहीद जवानों की आत्मा को शांति एवं घायल जवानों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। वही सैनिकों की शहादत पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दुख जाहिर किया और उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में सेना के वाहनों पर हुए आतंकी हमले में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैन्य कर्मियों की शहादत से गहरा दुख हुआ। नायक वीरेंद्र सिंह, नायक करण कुमार, राइफलमैन चंदन कुमार, राइफलमैन गौतम कुमार को उनके आत्म साहस और दृढ़ साहस के लिए सलाम। दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके परिवारों और प्रियजनों के साथ हैं। हम घायल सैनिकों के पूर्ण एवं जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। इंडिया गठबंधन ऐसी घटना के खिलाफ एकजुट है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में गुरुवार को 2 दहशतगर्दों ने सेना के एक शिविर पर आतंकवादी हमला किया था, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए थे और खबर यह भी है कि एक और जवान ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था, जबकि 2 जवान घायल भी हुए थे। बल्कि 4 घंटे तक चली गोलीबारी के बाद सेना ने दोनों दहशतगर्दों को भी मार गिराया था। सेना की माने तो 185 किलोमीटर दूर पारगल स्थित सैन्य शिविर के बाहरी घेरे के अंदर आने की कोशिश कर रहे दहशतगर्दों ने रात में करीब 2 बजे पहली बार फायरिंग की थी, फिर मुठभेड़ हुई जिसमें 2 दहशतगर्द मारे गए। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों द्वारा सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर किए गए हमले में 4 सैनिक शहीद हो गए हैं और 3 अन्य घायल हुए हैं, जिसमें 1 और जवान शहीद हो गया है। राजौरी, पुंछ और रियासी जिलों में इस साल मुठभेड़ों में अब तक 19 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं और 28 दहशतगर्द मारे गए हैं। इन मुठभेड़ों में कुल 54 लोगों की जान भी गई है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।